A very warm welcome to all the students and सभी parents को मेरी ओर से हाथ जोड़कर नमस्कार. इस वीडियो के जरिए मैं आपके लिए एक बड़ा important message लेकर आया हूँ. Request है इस वीडियो को आप पूरी तरह से सुने और देखें. आप ही के benefit की बात है इस वीडियो के अंदर. Specially उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो बच्चे अभी क्लास 10th में एक अपियर कर रहे थे बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए मार्च 2020 के अंदर, और अब वो क्लास 11th के अंदर मूव होंगे. हालांकि देखा जाए तो बोर्ड के एग्जाम्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, कुछ एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस के स्प्रेड की वजह से. बट स्टिल जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स हैं वो कम्प्लीट हो चुके हैं, जो मेन सब्जेक्ट के एग्जाम्स हैं वो हो चुके हैं. बच्चों क्लास 10th के बाद में आपके सामने ऑप्शंस आते हैं कि या तो हम कॉमर्स में जाएं या हम साइंस में जाएं अपनी क्लास 11th के लिए. जिन बच्चों ने कॉमर्स एज अ करियर ऑप्शन चूज करा है उनके लिए ये मैसेज बड़ा इम्पॉर्टेंट है. मैसेज क्या है ध्यान दीजिए. आपकी अभी स्कूल्स की जो क्लासेस हैं वो तो बंद हैं. काफ़ी सारे स्कूल हालांकि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कुछ स्कूल्स ने अभी तक ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं करी हैं. अपार्ट फ्रॉम दी स्कूल क्लासेस बच्चे कोचिंग भी लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर तरीके से क्लियर करने के लिए. तो सभी बच्चों के लिए जो क्लास 10 से क्लास 11 के अंदर मूव हो रहे हैं और उन्होंने कॉमर्स फील्ड ऑप्ट करा है या कॉमर्स ऑप्ट करने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बच्चों. और अनाउंसमेंट ये है कि हम आपके लिए एक ऑनलाइन लर्निंग का सॉल्यूशन लेकर आए हैं. राइट, ध्यान दें, हम आपके लिए एक ऑनलाइन लर्निंग का सॉल्यूशन लेकर आए हैं. यानी आप अपने घर पे बैठकर इस समय के दौरान अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं. यानी कि आपको अपनी पढ़ाई रोकने की जरूरत नहीं है. क्लास 11th के जो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, तीन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज. इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, जो कॉमर्स के हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग जो है वो अवेलेबल होगी. बहुत ही अच्छा मीडियम है ऑनलाइन कोचिंग का, बिल्कुल भी इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है या आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर कैसे होगा, कैसे हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं. हम ऑनलाइन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं. इनफैक्ट आपको जो हमारी क्लासेस के अंदर एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको बिल्कुल रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा. यानी आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी कि वाकई में आप एक एक्चुअल क्लास के अंदर बैठे हुए हैं. आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई डमी क्लास चल रही है. तो अब ये ऑनलाइन क्लासेस कैसे कंडक्ट होगी, क्या होगी, इसकी डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन आप मुझे कॉन्टैक्ट कर ले सकते हैं. हम क्लासेस स्टार्ट कब से करने वाले हैं तो इसका अगर मैं आपको जवाब दूं तो हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं 1 अप्रैल 2020 से. ठीक है, 1 अप्रैल 2020 से हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे. टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है. आप जब चाहें, आपके समय के अकॉर्डिंग, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस क्लास को देख पाएंगे. ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर 1 अप्रैल के बाद भी ज्वाइन करता है तो उसको क्लास देखने को नहीं मिलेगी. वो भी क्लास देख पाएगा, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख पाएगा. बस ये होगा कि जो बच्चा 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग करता है वो बच्चा थोड़ा आगे रहेगा और जो 1 अप्रैल के बाद करेगा वो थोड़ा पीछे रहेगा. हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ये है कि हमारी कन्वीनियंस पर हम लोग अपनी क्लासेस को व्यू कर सकते हैं. कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है. वैसे भी लॉकडाउन के समय अभी जाना मना है, कहीं पे भी ट्रैवल करना मना है. एडवाइस ये करा जा रहा है आप अपने घर पे रहिए, आप सेफ रहिए. बट घर पे रहकर भी अगर आप पढ़ाई कर पाएं तो इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है. तो इसीलिए बच्चों अपना टाइम बर्बाद ना करें और ऑनलाइन क्लासेस की तरफ मुड़ जाइए. ऑनलाइन क्लासेस के लिए एनरोलमेंट कराइए जिससे आपका जो समय है वो यूटिलाइज हो और इस टाइम को, जो आपको ये टाइम मिला है 15 अप्रैल तक का, इस टाइम को आप काफ़ी अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे. वैसे भी देखिए कॉमर्स आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है. जिन बच्चों ने भी कॉमर्स के लिए एनरोलमेंट कराया है या कराने वाले हैं उनके लिए कॉमर्स एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है. अभी आपको कॉमर्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप समझिए कि आप कुछ नया ही तो पढ़ेंगे.
आपके पास ऐसा कुछ कंपैरिजन करने के लिए तो अवेलेबल है ही नहीं कि हमने पहले यहाँ पढ़ा था, आप ये पढ़ा रहे हो, या आपने ये पढ़ाया, कोई कुछ और पढ़ा रहा है। ऐसा कोई सोर्स आपके पास अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो आप जो भी पढ़ेंगे वो आपके लिए बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस होगा। और कोई भी एक्सपीरियंस गेन करने के लिए स्पेशली पढ़ाई के अंदर बुरा नहीं है, आप डेफिनेटली कुछ सीखेंगे। और जब एक दो बार आप इन क्लासेस को लेंगे और अगर आपको अच्छा लगा तो आपकी इच्छा होगी, आप मोटिवेट होंगे और इसको आगे पढ़ने के लिए। तो ये सब कैसे करना है, आप ऑनलाइन क्लासेस कैसे ले सकते हैं, नंबर है मेरा 9929112577। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको एनरोल करेंगे क्लासेस के लिए। वैसे हमारे पास अगर बता दिया जाए तो क्लासेस 11th, 12th, कॉमर्स, CA एज वेल एज ACCA की क्लासेस अवेलेबल हैं। बट अभी ये मैसेज क्योंकि क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है, जो बच्चे 11th में आ रहे हैं, तो स्पेशली मैं 11th की ही बात करूंगा। 11th के जो भी आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं एज वेल एज मैथमेटिक्स की कोचिंग जो है वो आपको अवेलेबल कराई जा रही है। कुछ समय तक ये लेक्चर्स बिल्कुल फ्री हैं, यानी आपसे हम कोई भी चार्ज नहीं ले रहे। केवल हम एक हैबिट डेवलप करना चाहते हैं बच्चों की, हम उनको पढ़ाई में एंगेज करना चाहते हैं। एक बार आप पढ़कर देखिए, समझ कर देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड। एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लेक्चर्स, तो इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। क्योंकि आपका जो समय है, जो आप अभी खेलने के अंदर खराब कर रहे हैं या उसको मोबाइल के अंदर खराब कर रहे हैं, पूरे टाइम आप कुछ भी काम कर रहे हैं जिससे आपको कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। जो आप टाइम किल कर रहे हैं उसको आप अच्छे से अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड मैं आपसे कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं मांग रहा, पर डे 2 आवर्स। अगर आप पर डे 2 आवर्स अपनी ऑनलाइन क्लासेस में इन्वेस्ट करेंगे और साथ में कुछ 1 आवर होमवर्क के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो आपकी जो पढ़ाई है वो चलती रहेगी। एंड जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो आप काफ़ी आगे हो चुके होंगे अपने सब्जेक्ट्स के अंदर। आई थिंक ये जो ऑनलाइन कोचिंग का सिस्टम है, ये सबके लिए बहुत ही वाइज डिसीजन रहने वाला है। आई वुड रिकमेंड कि आप ज्वाइन करिए। जिनकी भी इच्छा है, जो भी इस बात को समझ पा रहे हैं कि अभी हमारे लिए ये जो समय है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो डेफिनेटली मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रही बात आपके डाउट्स की कि सर अगर हमें कोई डाउट्स आते हैं तो आप सॉल्व कैसे कराएंगे, उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। सारे के सारे डाउट्स आपके ऑनलाइन सॉल्व कराए जाएंगे, उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास डाउट सॉल्विंग के लिए लाइव क्लासेस भी अरेंज कराई जाती है, जहाँ पे आप और मैं बिल्कुल फेस टू फेस कनेक्ट होकर जो डाउट्स हैं वो सॉल्व करवाएंगे। यानी डाउट्स के रिगार्डिंग बिल्कुल भी मत सोचिए, आप ये सोचिए कि अभी आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ते रहना ज़रूरी है, क्योंकि कॉमर्स आपके लिए बिल्कुल एक नई फील्ड है। अगर आप अभी अपने टाइम को वेस्ट करते हो और वेट करते हो कि सर जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तब पढ़ेंगे, तब तक काफ़ी समय निकल जाएगा। अप्रैल 1 से अप्रैल 15 तक अगर आप क्लासेस कंटिन्यू रखते हो तो 15 दिन में आप काफ़ी कुछ पढ़ सकते हो। 15 डेज इंटू 2 आवर्स ईच डे, 30 आवर्स की क्लासेस अगर आप पढ़ लेंगे तो 30 आवर्स के अंदर आप काफ़ी कुछ अच्छा गेन कर सकते हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट? टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट्स कि सर आप पढ़ा रहे हैं तो हमारे रिजल्ट्स का क्या, आपके यहाँ के रिजल्ट्स कैसे आते हैं, तो एक मैं आपको हाईलाइट देना चाहता हूँ बिल्कुल करंट रिजल्ट की, जो कि रिजल्ट है 2019 के बोर्ड एग्जाम्स का। वी हैड 100 मार्क्स इन अकाउंटेंसी एज वेल एज इकोनॉमिक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन्स पर। ये रिजल्ट्स जो हैं बच्चों की मेहनत की वजह से हैं, और जिन बच्चों के 100 मार्क्स आते हैं, पूरे पूरे मार्क्स आते हैं, अगर आप इन बच्चों से पूछेंगे कि आपके 100 नंबर कैसे आए, तो ये आपको बोलेंगे कि हमने बहुत अर्ली स्टार्ट किया था पढ़ना। जनरली बहुत सारे बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, वो सोचते हैं कोचिंग पहले से लेने का मतलब क्या है, जुलाई के महीने के अंदर कोचिंग ले लेंगे, जून के मंथ में कोचिंग ले लेंगे। बट जिन बच्चों के फुल मार्क्स आए हैं, ज़रा आप उनसे पूछना उन्होंने कोचिंग कब से ली होगी। जैसे ही उनके स्कूल के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्लास 10th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, वो जस्ट कुछ दिन के बाद ही, 2-3 डेज़ के बाद ही
अपनी 11th की कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, और जो बच्चे 11th से 12th में शिफ्ट होते हैं वो भी 11th के एग्जाम्स खत्म होते ही 12th के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, वेट नहीं करते, क्योंकि एक एक दिन आपके लिए बहुत कीमती है। आप समझिए, हर दिन आप कुछ नया सीख सकते हैं। जितना जल्दी आप कोर्स कवर अप करेंगे उतना ज़्यादा टाइम आपको रिविजन के लिए मिलेगा। आई थिंक सब बच्चे जो हैं बहुत ही वाइज डिसीजन लेंगे। जिसको भी ऐसा लगता है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करके इस लॉकडाउन के पीरियड को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है और पढ़ाई करते रहनी है, ज़रूर से कॉन्टैक्ट करिए इस नंबर पे, नंबर आपको दिख रहा होगा, एंड हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। किस तरह से प्रोवाइड कराएंगे वो डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे रिसीव हो जाएंगी। ज़रूर से कॉन्टैक्ट करिए और जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करिए, रेगुलर अपडेट्स जो हैं आपको मिलती रहेंगी। बाय बाय, नमस्ते।